देखिए साहब, मेरा सिर्फ कहना यह है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है, चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख में, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो के मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का, तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नाउ लद्दाख में बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और गवर्नमेंट इस हिसाब से एक्शन ले रही है जिसे लग रहा है कि सोनम वांगचुक के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है बल्कि चाइना के अगेंस्ट लिया जा रहा है। देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सोनम वांगचुक एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ में साइंटिस्ट भी है, और उन्हीं से एक्सपायर्ड था एक रोल थ्री इडियट में जो आमिर खान ने किया था। करते हैं बात कि प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा। स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए, कह रहे हैं यहाँ पे हमारे विधानसभा भी होनी चाहिए और यहाँ के लोकसभा एमपी जो होते हैं वो दो तीन होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। जबकि सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली लद्दाख से ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक एमपी है। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लद्दाख की जमीन को चाइना ने कब्जा कर लिया है और पश्मीना मार्च निकालना चाहते थे जो चाइना के बॉर्डर तक जाते। अब ये इस मार्च में करने वाले क्या थे, एक्सपोज करते कि इंडियन गवर्नमेंट को कि देखो हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है चाइना ने। ऐसा ये कह रहे हैं कि इंडिया की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया है और 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को दे दिया है, वहां पे वो आके अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है वो खतरे में है, यहाँ का जो पर्यावरण है वो खतरे में है, इस वजह से हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सोनम वांगचुक कह रहे हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट संडे को होने वाला था, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने धारा 144 लगा दी जिसके हिसाब से 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी प्रकार का लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते हैं और पब्लिक गैदरिंग में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। 2G नेटवर्क कर दिया गया है, यानी कैप लगा दिया गया है नेटवर्क पे, वो 4G वहाँ पे नहीं चलेगा और 2G से क्या ही हो जाएगा। ये सब रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया लद्दाख में। सोनम वांगचुक का मांग है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए, इससे क्या होगा कि ऑटोनोमस पावर उनको मिल जाएगी और खुद की गवर्नमेंट वहां पे चला सकते हैं, हालांकि सेंटर का कंट्रोल रहेगा जैसे ओवरऑल पूरे देश पे रहता है। इसके पीछे इनके पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी हो सकती है क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद में अगर स्टेटहुड मिलता है लद्दाख को तो ये बड़े नेता बनके उभरेंगे, साफ बात है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का इलेक्शन है और आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो चुकी है, ऐसे में गवर्नमेंट कोई एक्शन वहां पे ले नहीं सकती है। जो इंडियन गवर्नमेंट की ओपोजिशन पार्टीज है वो इंडियन गवर्नमेंट को घेर रही है कि हमारी जमीन चाइना ने कब्जा कर ली है, लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है वो कह रही है हमारी जमीन चाइना ने कब्जा नहीं करी। ऐसे में सोनम वांगचुक भी वही भाषा बोल रहे हैं जो ओपोजिशन बोल रहा है और कह रहे हैं कि हम चल के वहां पे एक्सपोज करेंगे जहां पे गवर्नमेंट जाने ही नहीं दे रही है, तो इसमें कुछ तो गोलमाल है। अब इनको आचार संहिता के टाइम पर ही क्यों प्रोटेस्ट करना है, ये भी बात है। दूसरी बात, अगर ये पश्मीना मार्ग पे जा ही रहे थे तो गवर्नमेंट ने रोका क्यों। तीसरा, ये स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं, इससे इंस्पायर्ड होकर कल को सिक्किम भी कह दे कि हमें भी स्टेट हुड चाहिए, हम सिर्फ एक एमपी नहीं रखेंगे अपना।